अमित शाह इस बार गांधीनगर से अपने लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए मैदान में हैं और पूरा गुजरात 26 की 26 सीटें 7 मई को मतदान के लिए सामने होंगी। माफ कीजिएगा, 26 नहीं 25। और वो इसलिए क्योंकि एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है, खाता खुल चुका है सूरत में। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है, कोई भी उम्मीदवार उनके सामने नहीं है, सभी उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यानी कि 25 सीटें हैं जिस पर अब मतदान होना है। साथ में गुजरात का नाम आते ही क्या आपके जहन में यह तस्वीर नहीं बैठ जाती है कि यह वो कर्म भूमि है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह निकले हैं। गुजरात के चुनाव में जिस तरीके की बंपर जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, 150 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर गई, क्या इससे यह साबित नहीं होता कि इस बार गुजरात सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए भी, क्योंकि दोनों नेता गुजरात से आते हैं। यानी कि अगर आप सरकार के नंबर वन और नंबर टू की बात करें तो ये दोनों गुजरात के हैं। दोनों ने गुजरात से अपनी राजनीति को मजबूत किया, देश में अपनी पैठ और अपनी अलग अलग तरीके से बनाई और एक के बाद एक ये साबित किया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ही द पार्टी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई वहां पर रेस में खड़ा ही नहीं हो पाता। इस पूरे संदर्भ से अगर आप समझे, अब जरा देखिए, 2014 में सभी 26 सीटें, 2019 में सभी 26 सीटें, 50% वोट शेयर, ये एवरेज है भारतीय जनता पार्टी का बीते दोनों लोकसभा चुनाव में। विधानसभा में 55% से भी ऊपर वोट शेयर, भाई इसके आगे तो अब और कुछ है नहीं ना। इसके बावजूद जब आप इसे अपनी साख पर रखें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी रख रही है और प्रधानमंत्री जी और उसके साथ साथ गृहमंत्री जी के लिए ये साख का मसला है, ऐसे में एक छोटी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही थी। और अड़चन शुरू हुई केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान से। उनका बयान गुजरात के राजपूत वोटर्स को बड़ा नागवारा गुजरा। इस बयान से हुए नुकसान को समझाने के लिए, उसे संभालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। दरअसल हालात तो इतने खराब हो चुके थे कि राजपूत समाज न सिर्फ गुजरात में नाराज हुआ बल्कि राजस्थान के राजपूत समाज में भी इसकी नाराजगी देखने को मिली और इसका असर उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज में भी देखने को मिला। राजस्थान में किसी भी तरीके से मनाने की पूरी कोशिश की गई। आखिरकार राजपूत मतदाता क्यों महत्वपूर्ण है गुजरात में? इसलिए क्योंकि 17 से 18 जिलों में तकरीबन 8-10% आबादी राजपूतों की है और इनका प्रभाव काफी जबरदस्त है। 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत बहुत जबरदस्त पकड़ रखते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम है लेकिन इनका प्रभाव कहीं ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी है। चलिए, वहां तो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात को मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण था। गुजरात में राजपूत समाज कई तरह के सम्मेलन कर चुका था, मानने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि आखिरकार इसे किस आधार पर समझाया जाए और कैसे मनाया जाए। अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी, इसमें कांग्रेस संकट मोचन की तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने आ खड़ा। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है तो या तो राहुल गांधी जी कुछ कह देते हैं या कांग्रेस पार्टी किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बचाव में खुद को आगे रख देती है। दमन की एक रैली में राहुल गांधी ने राजे रजवाड़े को लेकर एक बयान दिया। साहब, दमन गुजरात से बिल्कुल सटा हुआ है। पहले आप बयान सुन लीजिए, इसकी व्याख्या उसके बाद करते हैं। कि जैसे पहले राज हुआ करता था, जैसे यहां पे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं, उनका जनता से कुछ लेना देना नहीं ना। आप कुछ भी कह लो, देखो ना, आप कुछ भी कह लो, आप उनके घर जाओ और कहो देखिए हमें ये चाहिए, प्रफुल्ल पटेल जी आपको कहेंगे देखो गेट आउट, मेरे घर से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई यहां पे लेना देना नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, जनता जो भी चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां का राजा हूं, मैं किंग हूं, मैं जो करना चाहता हूं करूंगा। आपने सुना राहुल गांधी जी ने क्या कहा,
यानी कि खुद ही सेल्फ गोल कर लिया। राजपूत समाज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी झेल रही थी, लेकिन जब राजे रजवाड़े को लेकर आप अपनी बातों को सामने रखते हैं तो जाहिर से बात है पूरा ठीकड़ा आप अपने ऊपर फोड़ लेते हैं। और राहुल गांधी ने एग्जैक्टली यही किया। बैठे बिठाए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मौका दिया जिसके बाद राहुल गांधी के बयान को पूरे तरीके से मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। राजे महाराजे की बात जो निकली उसको मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे बड़े पैमाने पर सामने रखा और अब इस पूरे बयान को आप देखिए। सबसे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस कथन का इस्तेमाल किस तरीके से किया ताकि राजपूत समाज ये समझे कि उनके विरोध में कौन खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी या राहुल गांधी। एक ताजा बयान जरूर सुना होगा, ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। आपने देखा, इसे कहते हैं राजनीति की पटल पर शह और मात। बखेड़ा खड़ा हुआ था राजपूत समाज की नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरे तरीके से राहुल गांधी के सर पर दे मारा। और जिस तरीके से इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया है उससे स्पष्ट होता है कि कैसे मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों को झेल रही कांग्रेस अब प्रधानमंत्री के इस तीर को भी झेलेगी जिसमें राजे रजवाड़े की बात कही गई है। आमतौर पर राजे रजवाड़े का जब आप जिक्र करते हैं तो आप राजपूत समाज की बात करते हैं, यानी कि राजपूत समाज के खिलाफ अब खड़ा कौन है? राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी मानते हैं कि राजपूत समाज ने गरीब और जो निम्न वर्ग है उनकी जमीनें हड़प ली, उनका सब कुछ हड़प लिया। अब पूरी की पूरी बात ट्विस्ट हो गई। इस बयान के साथ ही राहुल गांधी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खैर हमला किया ही किया, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ इन दोनों ने भी राहुल गांधी के बयान के दम पर राजपूत समाज को यह समझाने की कोशिश की कि दरअसल आपके विरोध में कौन खड़ा है। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं, जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है वे इस प्रकार के अनलगढ़ टिप्पणियां करेंगे ही। खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है और भारत को भारत बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं, जनता जनार्दन और समाज के प्रत्येक तबके का अपने अपने क्षेत्र में सबका योगदान रहा है। बहनों भाइयों, अभी आज मैं एक भाषण सुन रहा था कांग्रेस के नेता का, नौजवान नेता का, राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे।
ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे जो कि लोगों की जमीन उठाकर दूसरे को दे देते थे। बहनों भाइयों, गुजरात के लोगों ने देखा है कि कोई मां का लाल जमीन उठा के दूसरों को दे दे। राहुल गांधी, मैं बतलाना चाहता हूं, हमारे देश के राजे रजवाड़ों का जहां तक प्रश्न है, हमारे देश के राजे रजवाड़ों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अपील पर अपनी सारी रियासत भारत में मर्ज करने का फैसला किया था। मैं राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह की इन भावनात्मक अपील को आप समझिए। अब इसके बाद क्या आपको लगता है कि गुजरात में राजपूत समाज किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो पाएगा? जाहिर सी बात है, ये पूरे तरीके से अब सुनिश्चित किया जा चुका है कि राजपूत समाज की नाराजगी पूरे तरीके से अब कांग्रेस के प्रति होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लास्ट मिनट पर भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज कर लिया है। यानी प्रतिष्ठा और साख को बचाने के लिए भारतीय पार्टी ने अपनी बुद्धिमता के साथ कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा और आगे बढ़ गए। अब इस बात को हम इसलिए आपके सामने क्यों प्रतिष्ठा की बात हम कर रहे हैं, 2014 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 26 सीटें गुजरात की जीती थी, वोट परसेंटेज 63.6%। 2019 में लोकसभा की जो चुनावी सीटें थी सभी जीती गई, 26 की 26, वोट परसेंटेज 64.5%। यानी कि कांग्रेस या विपक्षी दल मौजूद ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने गुजरात में। एक वक्त हुआ करता था जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे गुजरात से, अहमद पटेल साहब, उनकी सीट बहुत महत्वपूर्ण थी। अहमद पटेल की बेटी उस सीट से अपनी उम्मीदवारी रखना चाहती थी और वो कांग्रेस में है, लेकिन भरूच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। यह टिकट आम आदमी पार्टी से चेतन बासव को दे दिया गया है। जाहिर सी बात है, अब इस पर कांग्रेस का कोई है ही नहीं जो खड़ा होकर कुछ कह सके। हमने आपको बताया कि कहां कहां चुनौती मिल सकती है। हां, यह एक सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल सकती है, राजकोट की। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उन्हीं के विवादित बयान की वजह से राजपूत समाज की नाराजगी थी। हो सकता है कि ये सीट हॉटस्पॉट बन जाए और यहां पर थोड़ा बहुत असर देखने को मिले। एक और सीट है भावनगर, यहां पर भी अगर राजपूत समाज की नाराजगी दिखी तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चुनौती देखने पड़ सकती है। हालांकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। इसके अलावा और ऐसी कोई खास सीट दिखाई नहीं दे रही जिस पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे। साबरकांठा में भारतीय जनता पार्टी ने पहले भीखाजी ठोकर को टिकट दिया था, लेकिन बाद में वहां पर स्थानीय विरोध की वजह से इस टिकट को बदलना पड़ा था। लेकिन अब जो स्थिति वहां पर दिखाई दे रही और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पोल मैनेजमेंट मैकेनिज्म बाहर निकल कर आ रहा है, वो स्पष्ट करता दिख रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत कर ली है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कम से कम राहुल गांधी को धन्यवाद बोलना चाहिए। दमन में उन्होंने बयान नहीं दिया होता तो दिक्कत जरूर होती भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अब तो आश्वस्त लग रही है भारतीय जनता।